अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल दी वैम ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज निकल रहे हैं कराची कंपनी, छोटा सा हीटर चाहिए, इलेक्ट्रिक हीटर। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं हीटर्स की मुख्तलिफ वैरायटी और कौन सा हीटर लेना है, फिर वो देखते हैं, फाइनल करते हैं, जाके चलते हैं। वैरायटी है, ये है वो छोटा 1500 का और ये है बड़ा, ये 9000 का। ये छोटा वाला मुझे सही लगा था। और अंदर ये है कि चाचा एक में हेलमेट पड़ा हुआ है, देखिए। और ये ब्लोअर है, ये वाला 3500 का गया है आई थिंक। ये 4000 का ब्लैक में और ये 2000 का वाइट वाला छोटा। जी ये है जी, धूप की वजह से ना थोड़ी रोशनी कम है, ये वही जो रात को आपको। हाँ वही, एक मिनट। सही है, ठीक है भाई, सही है। दोनों में बेहतर कौन सा है? एक वो वाला है ना, दूसरा जो ब्लोअर है अंदर, हीट इसकी भी बेहतर है। ये अच्छा, वो दूसरा भी ब्लोअर भी चेक कराए, वो वाइट वाला जी तो चेक किया जा रहा है, ब्लोअर भी ज़रा चेक यार कराना। ये जी वाइट ब्लोअर है, इसकी 2000 प्राइस है इस, और उसमें कंफ्यूजन ज़रा। ब्लैक वाला 4000 में, ब्लोअर लिया जाए या हीट वाला? ब्लोअर भी टेस्ट करते हैं कौन सा लेना है। हीट करेगा, हीट अभी थोड़ी ऐसा इससे ज्यादा करते क्या साहब है? जी बिल्कुल। चलो जी, आज एक और प्रोडक्ट परचेज किया। इस्लामाबाद में काफी ठंड हो चुकी है और तो मैंने सोचा जी इलेक्ट्रिक हीटर परचेज करते हैं। तो ये बड़ा ही रीज़नेबल प्राइस में और लो वॉट, 600 वॉट में एक एग्जॉन का इलेक्ट्रिक हीटर परचेज किया इन 1400 रुपीज़ फ्रॉम कराची कंपनी इस्लामाबाद। तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको इसको चला के दिखाते हैं और इसकी स्पेक्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। हाँ जी, तो ये है जी इसकी पैकिंग, एग्जॉन इलेक्ट्रिक हीटर, कार्बन हीटर इलेक्ट्रिक, 600 वाट और 150 में भी आई गैस आता है, लेकिन ये 600 वाट वाला है और अप टू 20% एनर्जी सेविंग और ये सारी इजी टू हैंडल, इंस्टेंट हीटिंग, ये सब। ये है जी बॉक्स पे चीज़ें, हीटर 3 कलर, ग्रे, वाइट और रेड में आता है। मुझे उस वक्त अवेलेबल वाइट में ही था तो मैंने वाइट में परचेज़ किया। आई थिंक वाइट कलर बेहतर है ना, डस्ट पड़ती है तो फील नहीं होता, सही रहता है। चलें जी इसकी, इसको ओपन करते हैं और इसको चला के देखते हैं किस तरह की हीट प्रोड्यूस करता है। जी तो ये है जी का इलेक्ट्रिक हीटर, इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा छोटू सा है, रीजनेबल साइज है और ही ठीक ही प्रोवाइड करता है। बिजली भी कम खर्च करता है, 600 वॉट है। दूसरे जितने भी मैं ब्लोअर देखे हैं या दूसरे इलेक्ट्रिक हीटर तो वो आपके 2000 वॉट मिनिमम वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो बेहतर है, बिल भी कम आएगा और हीट भी आपको अच्छी मिलती है, तो काम चलेगा इंशाल्लाह। जी इलेक्ट्रिक हीटर
कूट सा छोटा सा है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगा। तो इसको आपको लगा के दिखाते हैं इस तरह से, और ये फ्रंट बैक साइड रोटेटेबल है, इसे आप घुमा सकते हैं दोनों साइड, और सीलिंग पे भी इसे लगाया जा सकता है। लगाकर वो उतार देते हैं दोनों सीलिंग पे भी, इसको आप टॉप पे लगा के इस तरह उतार नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। हम इसे टेबल पे रखेंगे, टेबल पे इस्तेमाल करेंगे, बटन एक साइड पे और इसकी बैक साइड है फ्रंट। चलिए इसको लगा के आपको दिखाते हैं। ऑफिस छोटे से सेटअप के लिए बेहतरीन है, जरूरत नहीं बड़े हीटर खरीदने की, और बिजली बचाएं और काम चलाएं। ये जी ऑन हो गया है, इसका ऑफ का बटन है सबसे नीचे, फिर सेंटर में आती है मीडियम है, कर लेते हैं सेंटर में कुछ नहीं है, एक ही ऑन का बटन है वहाँ से। काफ़ी अच्छी इसकी हीट है, दूर तक हीट आती है, आप डिस्टेंस पे भी खड़े हो तो काफ़ी आपको इसकी हीट आएगी। इट्स अ गुड वन, हैप्पी टू परचेज दैट। बिजली भी कम खर्च करेगा, 600 वॉट, और साइज भी छोटा है, रीजनेबल है, इतनी जगह भी नहीं घेरेगा। आई लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इससे रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। काफ़ी लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बस 2 सेकंड लगने हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।